ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और रोज की तरह आज भी केसे सिन्हा क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज नंबर 20.2 कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के आगे क्वेश्चंस, यानी कि पिछले वीडियोस में जितने क्वेश्चंस हो गए यानी 10th तक हो गए थे, और आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कि इफ पॉइंट एक्स एंड वाई, यानी कि पी एक्स वाई इज बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, 3 एंड 6-1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई है, और वो पॉइंट 2, 3 और 6-1 से इक्वी डिस्टेंस है, तो एक्स और वाई में ऐसा क्या रिलेशन होगा जिससे ये कंडीशंस फुलफिल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट ए क्या है 2, 3 एंड बी 6-1, और गिवन क्या है, गिवन है कि पी ए, यानी कि अगर एक इसको माना गया है तो पी ए डेट इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि वो दोनों पी से इक्वी डिस्टेंस है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, और ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, और इसको हम लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, क्योंकि जो पार्ट्स इक्वल हो उसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस दोनों तरफ सेम करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। चलिए अब ये क्या है कि इसकी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो पी ए क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर x2-x1 प्लस y2-y1 तो 3-y द होल स्क्वायर, और जब पी बी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 6-x द होल स्क्वायर प्लस -1-y द होल स्क्वायर। इसमें जब 6-1 लेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट्स भी लगता है डिस्टेंस फार्मूला में, लेकिन पहले ही स्क्वायर करके उस स्क्वायर रूट को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। अब इसको a-b द होल स्क्वायर्स वाले अलजेब्रिक फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको पहले एक्सपेंड करेंगे हम लोग। एक्सपेंड कीजिए तो ये हो जाएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 into ab, तो 2 to 4 और एक्स 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। इसी तरह सबको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9-6y और प्लस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 36-12x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों माइनस है, माइनस कॉमन करेंगे और स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1+y, माइनस कॉमन करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1+y द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1+2y
और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए। और बाकी अब क्या करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ है माइनस फोर एक्स और इधर है माइनस फोर एक्स, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स, फिर माइनस सिक्स वाई और इधर है प्लस टू वाई, तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स और वन, थर्टी सेवन दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ फोर प्लस नाइन ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा थर्टीन। अब ये हो गया ट्वेल्व माइनस फोर एट एक्स माइनस एट वाई डेट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। अब ये पूरे टर्म्स को एट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एट से डिवाइड करेंगे एट एक्स को तो एक्स, और माइनस एट से डिवाइड करेंगे तो वाई, और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3। दिस इज द रिक्वायर्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y प्लस 3, क्योंकि y इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। और वो जो रिलेशन पूछ रहा था कि x और y में ऐसा कौन सा रिलेशन होगा कि ये कंडीशंस फॉलो करेगा, यानी कि इस पॉइंट से दिए हुए दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंस हो जाएंगे, तो वो कंडीशन यही है कि x इज इक्वल टू y प्लस 3, यानी कि y को अगर 1 हम ले लेंगे तो y प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, तो 4 1 2 3 और 6 माइनस 1 से इक्विडिस्टेंट होगा। और इसको आप इस तरह की कंडीशन रख के चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, जैसे कि अगर चेक करना चाहें तो 2 माइनस 4 माइनस 2 और स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो गया 4, और 3 माइनस 1 2 प्लस 4 6 है तो 6 माइनस 4 2 तो ये हो जाएगा 4, और उसके बाद माइनस 1 है माइनस 1 माइनस 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, मतलब कि दोनों 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है और ये वेरीफाइड कर रहे हैं। तो वो रिक्वायर्ड रिलेशन है जिससे x और y के बीच में रिलेट करेंगे तो वो 2 3 और 6 माइनस 1 से इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से करते हैं, और इसी तरह के सब क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में उसी तरह का क्वेश्चंस करेगा कि किसी पे कहीं कुछ प्रूफ करना होगा, रिलेशन निकालना होगा। डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत कम आता है, वो एक आध नंबर में आ सकता है कि जो 20 क्वेश्चंस है जो कि या तो एक मार्क्स में एग्जाम उसका रिजल्ट देना है, यानी कि उसमें या तो फिल इन द ब्लैंक्स करना हो या टिक द करेक्ट आंसर्स करना हो या वन वर्ड्स में आंसर देना हो, तो उस तरह में वो आ सकता है। बाकी अगर आपको अदर वेटेज वाले क्वेश्चंस में होंगे तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, और देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कि पी एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए प्लस बी ए माइनस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी, तो प्रूफ करना है हमें ये, उसमें रिलेशन फाइंड करना था एक्स वाई में और इसमें रिलेशन दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। तो पीछे की तरह सारी चीज़ें करेंगे, जैसे वहाँ ये टू और थ्री था तो टू और थ्री की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे सिक्स और माइनस वन था तो पीछे वाले जो क्वेश्चंस बने हैं वहाँ केवल टू थ्री की जगह वो ए प्लस बी ए माइनस बी और सिक्स माइनस वन की जगह ए माइनस बी ए प्लस बी रख देंगे और ये आपका रिलेशंस प्रूव्ड हो जाएगा। जस्ट पीछे आपने जो क्वेश्चंस देखा बिल्कुल उसी की तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
प्रूव दैट द पॉइंट 3, 4, 8 माइनस 6 और 39 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसमें ये लॉन्गेस्ट साइड जो होता है उसको एच कहते हैं और इसमें से कोई एक पी और एक कोई बी होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कंडीशन मिलता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी कंडीशंस को हम लेकर चलेंगे और अगर ये फुलफिल हो रहा है तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं कि लेट ए थ्री फोर बी एट माइनस सिक्स एंड सी 13 माइनस 9, ठीक है। तो हमें इस पर अभी राइट एंगल किस पे है ये हमें आइडिया नहीं है, तो पहले आप नहीं देख सकते कि कौन राइट एंगल है, ऐसा नहीं हम उस पर रख सकते। ये रैंडमली हमने आपको दिखाया कि ये राइट एंगल है तो ऐसा होगा, ठीक है। इनमें से सबका हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, और लेंथ निकाल कर ये कंडीशंस फुलफिल करेंगे कि किसी दो का स्क्वायर सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो राइट एंगल के वर्टाइसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम साइड निकालते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर्स हो जाएंगे ए बी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये 10 हो गया तो ये हो गया 100, ये मिल जाएगा अंडर रूट 125 बी सी, अंडर रूट बी माना है और बी और सी ये है तो 13 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 13 माइनस 6 8 5 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस है तो 9 प्लस 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऐड करेंगे तो ये 25 प्लस 225 और इसको ले लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 250, ठीक है। आप निकाल लेते हैं ए सी, ये हो जाएगा 13 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 100 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 125। अब यहाँ देखिए कि क्लियरली ए बी स्क्वायर हेयर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, कैसे, तो वो इस तरह से कि ए बी कितना है रूट 125 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 125
और AC 125 इज इक्वल टू 250। BC के स्क्वायर करेंगे तो 250 आ जाएगा। देयरफोर गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल विथ, चाहे तो दिखा सकते हैं कि इस कंडीशन में BC बन रहा है क्या चीज, हाइपोटेनियस, तो BC हाइपोटेनियस पे चला गया, यानी कि B और C यहाँ आ जाएंगे, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो राइट एंगल वर्टाइसेस पे कौन होगा, ए, विथ ए एज राइट एंगल वर्टेक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर विथ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही प्रूव करना था हमें, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए प्रूव्ड हो गया। यही हमको प्रूव्ड करना था कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस होंगे। तो गाइस वैसे तो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ और अभी भी बता दें, क्योंकि रोज़ नए नए लोग तो जुड़ते हैं, ये जैसे सर्च करने पे सब पता चलता है कि पुराने भी हमारे हैं और नए वाले भी जुड़ते हैं, तो नए वालों के लिए रोज़ रोज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि आज जो इस वीडियो को ही केवल देख रहा है तो उसे पता नहीं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारी यही आप लोगों से हर बार कहना होता है कि सब्सक्राइब कर इस चैनल्स को, यानी कि जो आपका अपना चैनल्स है इसको ग्रोथ करें, और रिक्वेस्ट हमारा बार बार वही रहेगा कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर को भी हमें प्रोवाइड करवाएं और क्लास के साथ नाम के साथ, ताकि हम आपको मीट्स पर भी डाउट क्लासेस लेकर आ सकें। ऐसे वीडियो से डाउट क्लासेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम ये YouTube पर लाइव आ भी जाएं तो वहाँ आप हमसे वॉइस चैट नहीं कर सकते, और आप जो मैसेज भेजेंगे वो पढ़ पढ़ के मैं शायद नहीं कर पाऊँगा आपके डाउट्स क्लियर। तो इसलिए आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर हमको प्रोवाइड करवाइए, ताकि उस पर लिंक मीट का भेजा जा सके और आपको मीट पे ज्वाइन करके और आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके, ठीक है। और बाकी तो आपके ऊपर है, मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, आपको हर वीडियोज़ में, चाहे जो नए भी जुड़ रहे हैं तो पीछे के वीडियो देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि हम मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो तो सहायता राशि के रूप में हमें कुछ देखें, और नहीं तो भी आप जुड़े, इसको ग्रोथ करें, जिस दिन तक होगा देखेंगे हम लोग। बाकी ऐसे जितने हमारे पास सुविधा है इतना आपको हमेशा मिलता रहेगा, केवल आप जुड़िए हमसे और अपने दावे के अनुसार मैं आपके छोटे से छोटे डाउट्स को भी क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14, और 14 क्वेश्चन नंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उसमें डिटरमाइन करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है उसमें से कौन आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस है, या इक्विलेटरल है, या स्केलेंस है। उसमें से एक पहला वाला जो है कि अगर ये A11 -√3√3 -1 है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये लेट पहला पॉइंट्स है, ये है 1 1, दूसरा पॉइंट्स B है -√3√3, और तीसरा पॉइंट C है -1 -1। तो हम पहले सबकी लेंथ निकालेंगे, इसको कोई भी इस तरह का, अभी जितने भी, हालांकि चैप्टर्स हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला से हैं तो सब में डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है ये हमको अभी करना है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस आएगा एग्जाम्स में तो वहाँ तो नहीं रहेगा कि ये किस चैप्टर्स के हैं, तो
तो उसमें आप इस तरह से देखेंगे कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जिसमें डिस्टेंस रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस से रिलेटेड है? तो आइसोसेलेस प्रूव करना है तो इससे तो हम कोऑर्डिनेट में चल के एंगल्स निकलेगा, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइंस और अदर्स में तो निकलेगा, इससे एंगल भी निकलेगा, लेकिन एंगल्स यहाँ नहीं निकलना है। इस तरह का होगा तो एंगल से ज़्यादा सुविधाजनक लेंथ से होगा। तो इनके लेंथ से अगर दो लेंथ्स बराबर हो गए आइसोसेलेस, अभी जो पीछे कंडीशंस प्रूव किया गया कि दोनों का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, दो स्क्वायर का सम, तो वो राइट एंगल हो गया। दो ऐसे इक्वल साइड्स है जिनके स्क्वायर करने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो गया, तो राइट एंगल आइसोसेलेस हो गया। तीनों साइड्स इक्वल हो गए, इक्विलेटरल हो गया, तीनों ऑन इवन हो गए, किसी प्रोसेस को किसी भी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, स्केलेन हो गया। तो लेंथ निकालते हैं ए बी, ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री माइनस वन द होल स्क्वायर, और ये माइनस है पीछे करके दिखाया था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया ये प्लस बी द होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे थ्री के स्क्वायर, रूट थ्री के स्क्वायर थ्री, और प्लस हो गया है तो प्लस टू रूट थ्री और प्लस वन का स्क्वायर वन, और ये थ्री माइनस रूट थ्री माइनस वन का द होल स्क्वायर, तो रूट थ्री के स्क्वायर थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस वन, इसको ओपन कर देंगे तो ऐसा आएगा, ये रूट टू रूट थ्री और टू रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो थ्री वन फोर, थ्री वन फोर अंडर रूट एट आ गया, अंडर रूट एट। बी सी निकालिए, तो बी सी क्या होगा, माइनस वन और माइनस रूट थ्री द होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस रूट थ्री प्लस है, तो ये माइनस रूट थ्री है द होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये दोनों माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये रूट थ्री माइनस वन हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस वन, और ये माइनस माइनस दोनों में लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू रूट थ्री और प्लस थ्री, ये उसी तरह ये दोनों कट गया और चार चार आठ, अंडर रूट एट हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए सी। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस माइनस वन, ये दोनों वन वन है और दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस वन और माइनस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर टू और ये टू, तो ये हो जाएंगे अंडर रूट फोर प्लस फोर, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट, अब ये सारे आ गए कैसा, अंडर रूट एट अंडर रूट एट अंडर रूट एट, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हो गए, और ये कौन सी ट्रायंगल में होता है, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, सो गिवन पॉइंट गिवन पॉइंट पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के ये वर्टाइसेस हो गए, तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो सकता है। और उसके बाद
आप देखेंगे कि इस 14 नंबर में और भी 5 क्वेश्चंस है, और सब में आपको यही चूज करना है, इनके साइड्स निकालना है और साइड निकाल कर बताना है कि वो कौन सा ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये आप करोगे, नहीं आएगा तो मैं हूँ, और रिक्वेस्ट तो हमारा बार बार आता है, लेकिन आप लोगों का जो स्ट्राइक रेट है ना वो बहुत पुअर है, न आप सफिशियंट मात्रा में जुड़ रहे हैं जिससे कि डाउट्स क्लियर कर पाऊँ मैं वॉइस कॉल के द्वारा, और न ही आप सब्सक्रिप्शन उस ग्रोथ से कर रहे हैं कि चैनल्स में कुछ एनर्जी दिखे। एनर्जी बिल्कुल लॉस है, मतलब हम लोग बिल्कुल वो सुस्त घोड़े की तरह चल रहे हैं। चलिए, आप अगर पसंद करते हैं ऐसा जाना तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि ए और बी दो पॉइंट्स है, और सॉरी सी भी है, तीन ऐसे पॉइंट्स है जिसमें आपको प्रूफ करना है कि 1/AC लें और 1/BC लें तो वह इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एक पीछे बनाकर दिखा दिया है जिसमें ये पूछा गया था ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन देकर कि उसकी डिस्टेंस जब इक्वी डिस्टेंस हो जाएगी तो वो क्या होगा, थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, प्रूफ किया था। इसी तरह उसको भी प्रूफ करेंगे। इसमें पहले AC निकालिए, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस a t स्क्वायर का द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 a t का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा, ए कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर, तो 1 माइनस t स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 2 t स्क्वायर प्लस t4 हो जाएगा। और उसके बाद इसको लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4a² t² हो जाएगा प्लस 4a² t² अंडर रूट। सॉल्व कर देंगे तो a² - 2a² t² + a² t4² और प्लस 4a² t² अंडर रूट है। अब ये देखिए -2a² t² है, यहाँ प्लस 4a² t² है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा a² + 2a² t² और प्लस में मिल जाएगा a² + a² t4। और अब इसमें से a² कॉमन कर देंगे तो a² और यहाँ मिल जाएगा 1 + 2t² + t⁴, तो 1 + t² का स्क्वायर रूट होगा, तो ये हो जाएगा a 1 + t². अब निकालते हैं BC, वैसे ही BC क्या हो जाएगा, a - a/t² और वो 0 - 2/a t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2a/t² सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a कॉमन कर लेंगे तो a² बाहर हो जाएगा, अब बच जाएगा यहाँ 1 - 1/t², तो ये हो जाएगा 1 - 2/t² + 1/t⁴ और प्लस यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये 4a² t⁴ हो जाएगा, 4a² t⁴ हो जाएगा।
अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ बच जाएगा वन माइनस टू बाई टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी टू दी पावर फोर प्लस फोर बाई टी टू दी पावर टी है केवल, तो स्क्वायर होगा यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो ये प्लस टू में आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा वन प्लस वन बाई टी द होल स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर देंगे तो ये मिल जाएगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर। अब इसको हमें पुट करना है, ठीक है, किसमें, इस रिलेशंस में। तो इस रिलेशन में पुट करके दिखा देते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे लिख लेंगे वन बाई ए सी नाउ वन बाई ए सी प्लस वन बाई बी सी इज इक्वल टू वन बाई ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू आया है वन ए वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो गया ए वन प्लस टी स्क्वायर, और प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, अगर उसको सॉल्व कर दें तो ए टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी वन बाई ए टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वन बाई ए वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये टी स्क्वायर हो गया, और ए वन प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ वन है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिमिलरली एक्शंस हो जाते हैं, यानी कि जो जब ऑपरेशनल्स साइन दिया रहता है उससे कर देते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो वन प्लस टी हो गया। अब ये देखिए वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर कट गया, और वैल्यू हमें मिल गया वन बाई ए, किसका वैल्यू, ए वन प्लस वन बाई ए सी प्लस वन बाई बी सी इज इक्वल टू वन बाई ए आ गया। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नाउ वन बाई ए सी प्लस वन बाई बी सी इज इक्वल टू वन बाई ए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, और यही हमें प्रूव करना था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेज कम था तो इसलिए हमने बोर्ड पे बनाया। चलिए ये आपने देखा यहाँ तक, तो इस तरह के कोई भी आएगा जो रिलेशंस आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि इसमें डिस्टेंस रिलेशंस लग सकता है, तो आप डिस्टेंस रिलेशन से इसको कर सकते हैं। तो गैज फिर से एक बार रिक्वेस्ट के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रोथ कीजिए, बाकी हर कंटेंट जो आपको बेटर बना सकता है, बेटर आपको परफॉर्म करवा सकता है, वो हम लेकर आएंगे, और जैसे भी सही तरीका होगा, जैसे भी आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा जा सके, वो पूरा प्रयास हम करेंगे। आप अपना प्रयास कीजिए कि ये जो चैनल्स है इसको लाइक सब्सक्राइब करवा कर आप इसको ग्रोथ करवाएं। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियोज़ में अगले क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।